हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। एक बार फिर से मैं लेके आया हूँ आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ क्वेश्चन जो कि जेईई मेंस 2019 में पूछे गए थे, एक्चुअल एग्जाम जो कि इस बार एनटीए ने कंडक्ट किया था। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हैज अ मास ऑफ 2 ग्राम एंड अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकुलम। इट इज एट रेस्ट इन यूनिफॉर्म हॉरिजेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 2000 वोल्ट पर मीटर। At equilibrium, the angle that the pendulum makes with vertical is, if g is given as 10 meter per second square. So, सबसे पहले question समझते हैं कि हमें एक pendulum bob दिया है. Let us draw the diagram first of all. If suppose this is the vertical, तो ये एक pendulum bob दिया है. This is how it will be. It is making certain angle theta, जो कि हमें find out करना है. सबसे पहले given data लिखते हैं इस question का. तो मास ऑफ दिस पेंडुलम बॉब इज गिवन एज 2 ग्राम। नाउ दैट चार्ज इज इक्वल टू 5 माइक्रोकुलम एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच इट इज प्लेस्ड इज 2000 वोल्ट पर मीटर एंड द जी स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट इज द थीटा। अब ये पेंडुलम बॉब जो है इसका सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम, इट्स वेट विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड इक्वल टू एम जी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से विच इज एक्टिंग इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, तो देर विल बी अ फोर्स क्यू इन टू ई, ये इस तरफ एक्ट होगा। अब इस स्ट्रिंग में एक टेंशन डेवलप होगा टी, विच कैन बी रिजोल्व इन टू 2 कम्पोनेंट। इफ सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो एक होगा टी साइन थीटा इस तरफ और दूसरा कंपोनेंट टी कॉस थीटा इस तरफ। अब अगर इस फोर्सेस कौन कौन से बैलेंस हो रहे हैं एक बार चेक करते हैं। तो दिस टी साइन थीटा इज बैलेंस्ड बाय क्यू ई, तो लिखते हैं यहां पे टी साइन थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यू ई एंड टी कॉस थीटा इज बैलेंस्ड बाय दिस वेट, तो दिस टी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू वेट एम जी। तो दीज आर द 2 इक्वेशन। इफ वी डिवाइड दीज 2 इक्वेशन बाय वन अनादर, देन टी टी विल गेट कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विल बी इक्वल टू टेन थीटा and that is equal to QE upon MG, right? तो अब बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, हमें tan theta मिल जाएगा, ऑप्शन जो है वो tan inverse के फॉर्म में। तो लेट अस सब्सटीट्यूट द वैल्यू। द चार्ज ओवर हियर इज 5 माइक्रोकुलम, दैट इज 5 × 10⁻⁶। इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 × 10⁻³, 2000, एंड द मास विच इज गिवन एज 2 ग्राम, तो 2 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई जी विच इज 10, तो दिस 10⁻³ गोज अप, प्लस 6 हो जाएगा, 10⁻⁶ माइनस 6 विल गेट कैंसल, 2 विल गेट कैंसल, 5/10 बचा है। तो दैट मीन्स टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2, दैट इज इक्वल टू 0.5, मतलब थीटा मिल गया हमें टेन इनवर्स ऑफ 0.5। तो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो एक बार पॉज करके आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी जेईई मेंस 2019 8 अप्रैल को पूछा गया सवाल है। एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन। वोल्टेज रेटिंग ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 500 वोल्ट, इट्स डाइलेक्ट्रिक कैन विस्टैंड मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10⁶ वोल्ट पर मीटर, द प्लेट एरिया इज 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इफ द कैपेसिटेंस इज 15 पिको फैरेड। अब परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज गिवन, वी नीड टू सॉल्व दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं क्वेश्चन क्या है। एक कैपेसिटर है, अब ये कैपेसिटर के बीच में जो डिस्टेंस है प्लेट्स के बीच में वो हमें फाइंड आउट करना है। अगर एरिया ऑफ द प्लेट दिया है, इस कैपेसिटर को कनेक्ट किया है एक बैटरी के साथ, जिस बैटरी का पोटेंशियल हमें दिया है, तो दैट वी इज गिवन एंड दिस डायलेक्ट्रिक इज फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ दिस कैपेसिटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट डाउन व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। द पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 500 वोल्ट्स and that the electric field is 10⁶ volt per meter. The electric strength is given, area of the plates is 10⁻⁴ meter square, and the capacity of the condenser is 15 picofarad. Picofarad matlab 10⁻¹२ hota hai, beta jaisa aapko pata hoga, and epsilon zero permittivity of vacuum is also given in the question. To sabse pehle आपको याद करना होगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो इट इज ए एप्सिलॉन जीरो के अपॉन डी, राइट, एज यू नो। तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए, हमें कैपेसिटी दिया है, एरिया ऑफ द प्लेट्स इज गिवन, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज
We need to find out this dielectric constant. Epsilon zero is given in the question. D नहीं दिया है. अब D कैसे find out करेंगे? देखिए, D find out करने के लिए हमारे पास दो quantities है. One is potential, second is electric field. तो formula कहता है V is equal to E into D. मतलब हमारा D हो जाएगा V divided by E. तो यहाँ पे सबसे पहले potential है 500 volt का, electric field at 10 raised to 6. तो हमें D मिल गया, which comes out to be 5 into 10 raised to minus 4 meter. अब ये D की वैल्यू इस कैपेसिटी के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं. सबसे पहले K के लिए क्या फॉर्मूला मिलेगा? K विल बी इक्वल टू दिस इज C इंटू D डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन जीरो, राइट? तो व्हाट इज कैपेसिटी? इट्स 15 पीको फैरेड. तो 15 इंटू 10 रेस टू माइनस 12. डिस्टेंस कितना मिला है हमें? 5 इंटू 10 रेस टू माइनस 4. एरिया ऑफ द प्लेट्स इज 10 रेस टू माइनस 4 एंड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज 8.85 इंटू 10 रेस टू माइनस 12. 10 raised to minus 12 will get cancelled, 10 raised to minus 4 will get cancelled, 15 into 5 is 75, 75 divided by 8.85. तो ये approximately अगर आप देखो तो it comes out to be 8.5, approximately 8.5. तो out of the given option second one is correct. तो these are the two questions that we have solved. फिर से एक बार pause करके आप देख सकते हो और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ. और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे आने वाले हैं. शेयर करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड वॉच दिस वीडियोस. थैंक यू वेरी मच.